हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। संगम सिर्फ नदियों के नहीं, सरकार और दायित्वों के भी होते हैं। आसमान में जल भंडारों पर लहराता तिरंगा और शुष्क जमीन के सीने पर मुस्कुराते जल कमल। जो कवायद चल रही थी, कार्रवाई चल रही थी, आज वह धरती पर उतर रही है। अपने भागीरथ प्रयास से प्रदेश में जल जीवन मिशन की सफलता सुनिश्चित करते माननीय मुख्यमंत्री, दिन में रंगोली सजाता, रात में दिवाली मनाता विंध्य और बुंदेलखंड। हर घर में पानी की ये धार अब सालों भर बरकरार रहेगी। यही तो है सबका साथ सबका विकास। हाय एवरीवन, मेरा नाम ऐश्वर्या दुबे है, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सेंट क्लेयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आगरा से की। उसके बाद मैंने बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स किया कंप्यूटर साइंस में दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से। 2019 मिड से मैंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की थी। तो मैं यहाँ पे आज आपको जो यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है 2023 का, में तो ऑलमोस्ट हमारे पास 15 डेज बचे हैं, तो लास्ट 15 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। तो आई थिंक लास्ट 15 डेज बहुत प्रेशर वाले दिन होते हैं और एक पॉइंट होता है जहाँ आप सिचुएशन रीच कर चुके होते हैं कि ऑलरेडी आप बहुत पढ़ रहे होते हैं। तो आई थिंक ये वो टाइम है जहाँ पे आप कुछ नया नहीं पढ़ना है, क्योंकि एटलीस्ट नया पढ़ने के लिए आपको 3 या 4 रिविजन देने पड़ते हैं, तब वो आपको याद होता है। तो आई थिंक आपको ये फोकस करना चाहिए कि आप कुछ भी नया ना करें, कोई भी आपसे कुछ भी कह दे आप नया ना करें, और आपने जो अब तक पढ़ा है आप उस पर कॉन्फिडेंस रखें, क्योंकि गेम आपका नॉलेज का नहीं है, गेम आपकी स्ट्रैटेजी पेशेंस का है। तो ये ही टाइम है आपको उसको डेवलप करने का। तो ये 15 डेज में सबसे पहले आपके जो कोर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, आप इनको एक एक बार या एटलीस्ट 2 बार रिवाइज कर लें, और उसको जब आप रिविजन करते हो तो आपने जो नोट्स बनाए हैं अगर आप उनसे करो, इन तो आपने जो बुक्स रेफर की थी आप उनसे रिविजन करें। नेक्स्ट है करेंट अफेयर्स। तो करेंट अफेयर्स अगर आपने पहले से पढ़े हैं तो आप उन्हीं करेंट अफेयर्स को सिर्फ रिवाइज करो, आपको नए करेंट अफेयर्स पढ़ने की इसमें 15 दिन में जरूरत नहीं है। मेरा जब फर्स्ट प्रीलिम्स नहीं हुआ था तो मेरे से यही गलती हुई थी कि एंड के 15 डेज में मैंने करेंट अफेयर्स रिवाइज नहीं किए थे। पहले मैंने इकट्ठे सारे साल भर के करेंट अफेयर्स रिवाइज करने की कोशिश करी और फिर उसकी खिचड़ी बन गई और मैं वहाँ पर कुछ नहीं अटेम्प्ट नहीं कर पाई, और कभी कभी आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो गए। तो इसलिए आप कुछ नया मत करो, अगर आपने करंट अफेयर्स पहले से जो पढ़ रखे हैं आप सिर्फ उनको रिवाइज करो 2 बार 3 बार जितना भी फीजिबल हो आपसे, और एक लिंक कोशिश करो। आई थिंक करंट अफेयर्स अगर आपने नहीं भी किए तो इट्स नॉट टाइम टू पैनिक। 70-60% क्वेश्चंस जो हैं आपके कोर से होते हैं, और आप उतना ही कोर अपना रिवाइज कर लेते हो तो अभी आपका बिल्कुल क्लियर होगा। नेक्स्ट थिंग जो आपको फोकस करनी है इज टाइम मैनेजमेंट। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी टेस्ट सीरीज लगाई है, ये आप इस समय टेस्ट सीरीज बिल्कुल ना लगाएं, जो आपने अब तक लगाई है आप उनको रिवाइज करें, उसमें आइडेंटिफाई करें कि आपकी कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क करी थी, उस स्ट्रैटेजी पे वर्क करें। आप टाइम देखें कितने टाइम में कितने गो में कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये स्ट्रैटेजी 15 दिन में आपकी फॉर्मुलेट होनी चाहिए। और लास्ट के 1 or 2 days आई थिंक आपको रेस्ट लेना चाहिए, ये मैंने भी किया था, 1 दिन पहले मैंने कुछ नहीं किया था, और ये टाइम होता है आपको अपने आप को रिलीज कराने का कि आप इस बार एग्जाम क्लियर करोगे, ये बहुत जरूरी होता है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी होता है। तो आई थिंक 1-2 दिन पहले आप रेस्ट कर सकते हो, आप फ्रेंड्स से बातें कर सकते हो जो आपको मोटिवेट करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड आई थिंक यू शुड रिलैक्स। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीपीसीएस 2023। आई विश यू ऑल लक।